तो ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, क्या दिया है देख लेते हैं। एक्स का वैल्यू दिया है, एक्स है आपका कितना कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड वाई का वैल्यू क्या है सेक स्क्वायर थीटा, जेड का वैल्यू भी दिया हुआ है, और हमें क्या चाहिए एक रिलेशन चाहिए। सो आइए देखते हैं कैसे किया जाए। वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई वाई स्क्वायर का वैल्यू, तो वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई वाई स्क्वायर जब हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन टू द पावर फोर थीटा प्लस का कॉस टू द पावर फोर थीटा आ जाएगा। साइन टू द पावर फोर प्लस कॉस टू द पावर फोर को क्या लिख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गया। फिर माइनस का आ जाएगा टू टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन है, वन का स्क्वायर वन ही होगा, तो ये आ रहा है वन माइनस टू टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अभी आते हैं ऑप्शन में, तो जेड का जो वैल्यू है दोस्त ये है वन बाई वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सीधी सी बात है, देख के लग रहा है कि देखो टू बाई जेड तो लिखना ही पड़ेगा, जब टू बाई जेड लिखेंगे तो क्या आएगा, पहले वन बाई जेड करके टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टू माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, लेकिन हमें जो चाहिए वन चाहिए, तो वन को माइनस कर दिया तो आ जाएगा टू माइनस जेड बाई जेड, और इसका वैल्यू आ गया वन माइनस टू का साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। तो उम्मीद है ये बातें समझ में आई होगी, सिंपल सा कैलकुलेशन है, बस फॉर्मूला यूज किया और आ गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, जरूरी नहीं है किसी क्वेश्चन में डाउट है, कोई दूसरा क्वेश्चन में भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और जो टेलीग्राम का डाउट ग्रुप है वहां पे ज्वाइन करके आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो ने किसी भी तरह से आपको मदद पहुंचाई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सारे बेस्ट पीवाईक्यू का सलूशन मिलेगा आपको डिटेल में, और अगर हम यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं तो उठाएंगे बेसिक से लेके जाएंगे टॉप तक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सोल्यूशन के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।